नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू सत्या और आप लोग देख रहे हैं साई न्यूज सीरीज। तो आज मेरे साथ बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस बोला जाए जो कि एस भड़िया झा। आप लोगों ने तो इनका एल्बम हो गया, फिल्म हो गए, बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखे होंगे, लेकिन आज मैंने सोचा कहीं ना कहीं आप लोग के बीच इंटरव्यू लेके आप लोग के बीच मतलब दिखाया जाए कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या किया, आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो एस भड़िया झा साई न्यूज सीरीज चैनल में आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको नमस्कार, प्रणाम एंड हर हर महादेव। चलिए सबसे पहले दर्शक को ये हो जाएगी आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब एंट्री कैसे हुई। मेरा कॉलेज की टाइम से ही मेरा एंट्री हुई थी भोजपुरी में। मेरा एंट्री बंगाली एल्बम से हुआ था। अच्छा, सबसे फर्स्ट मतलब रहने वाले कहाँ से? मैं हूँ दरभंगा से बिलोंग करती हूँ, बट मैं कोलकाता में रहती हूँ। अच्छा, मान का चले दरभंगा से। मैं सबसे पहले बात करता हूँ एक लड़की के लिए डांस में, मतलब घर से क्या सपोर्ट था या नहीं? पहले तो सपोर्ट नहीं था, बट धीरे धीरे सपोर्ट हो गए जब हमने अपनी कामयाबी को दिखाया, अपने अंदर का हुनर को दिखाया। कुछ मनाना भी पड़ा अपने फैमिली को और कुछ हमारे कामों से वो खुद मान गए। चलिए दर्शक ये बता दीजिए आपका कौन कौन स्टार के साथ मतलब ऑडियो यानी वीडियो में आप किन किन के लोगों के साथ काम किए, दर्शकों को बताइए ताकि आपका सब चीज़ जान जाए। लगभग सारे लोगों के साथ हो गया, पवन जी को छोड़ करके और निरहुआ जी को छोड़ करके बाकी सभी लोग के साथ हो चुके हैं एल्बम। तो ये मतलब इंडस्ट्री में काम करके आपको कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछा जाए जो कि अगर आप मॉडल ना होते तो शायद आप क्या बनते अपने लाइफ में, किस चीज़ को आप च्वाइस करते? मॉडल नहीं होते तो अकाउंटेंट का शौक था तो अकाउंटेंट ही बनते, सीए करते, पढ़ाई फिलहाल तो चल रही है तो अकाउंटेंट का कुछ रहते। अच्छा, आपके लाइफ मतलब सोचे होंगे मुझे मॉडल के साथ मतलब कुछ और ना, मतलब माता पिता के माध्यम से क्या आपका सोचता कि मुझे लाइफ में क्या कुछ एक्टिव करना है? सीएस बनने का प्लानिंग था क्योंकि घर में हमारे सब सीएस ही हैं तो सीएस बनने का प्लानिंग था। बाकी अकाउंट से पढ़ाई हो रहा था तो फ्यूचर का कोई नहीं जानता कि कब क्या कौन क्या बन सकता है, तो जो भी बनना होता है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किसे आइडियल मानते हैं? सॉरी, यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किसे आइडियल मानते हैं जो कि जिनसे आप कुछ सीखते होंगे? मैं सारे लोग से बहुत कुछ सीखती हूँ क्योंकि सारे लोगों में ही कुछ ना कुछ खासियत होती है, तो मैं सारे लोगों को ही मानती हूँ। चलिए, और हम कुछ और यह जानना चाहेंगे आप स्ट्रगल मतलब यहाँ तक आने में कितना आप मेहनत की ये हमारे दर्शकों को बताए ताकि जो भी लोग हैं कोई कहीं ना कहीं आप लोगों से कुछ प्रेरणा ले कुछ सीखेंगे। एक्चुअली कोई भी काम को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। आप अपने 110% दीजिएगा तभी जा कर के आप कभी भी सक्सेस पाने की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो कोई भी काम हो, छोटा से बड़ा काम हो, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। अच्छा, आपको स्टार लेवल से मतलब कब से काम मिलने लगा? मतलब कहीं ना कहीं होता है ना, आपका कोई ऐसा आया जो वीडियो हिट हो गया, आपका पहचान बन गया, तो हर एक लोग आपको गाइड करने लगे कि नहीं एस भड़िया जी से मुझे वीडियो नेक्स्ट करवाना चाहिए, मतलब कैसे आप लाइनअप आगे होते गए? वैसे तो मेरा तूफानी लाल जी के साथ मेरा गाना हुआ आया था सबसे फर्स्ट, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में। और उसके बाद मैं सेकंड एल्बम मैंने गुंजन जी का किया था। अच्छा। वो थोड़ा बहुत मतलब पब्लिक ने बहुत ज़्यादा उनका गाना बहुत ज़्यादा पसंद किया, मेरा एक्ट तो उसमें कुछ खास नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम कुछ जानती नहीं थी। अच्छा। बट हाँ, बिहार आने के बाद वो मेरा सेकंड एल्बम था, उसके बाद मेरा स्टार्ट हो चुका था काम। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा कौन ऐसा काम करने में मज़ा आता है, यानी सैड सॉन्ग होंगे, हॉट सॉन्ग होंगे, या लव स्टोरी या परिवार, कौन आपका मन से आत्मा करता है कि मुझे ना इस तरह का गाना करने चाहिए? वैसे तो सारे सॉन्ग अच्छे हैं क्योंकि सारे सॉन्ग में मेहनत होता है। हाँ, बट मेरा चॉइस सैड सॉन्ग ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें मोनो एक्ट ज़्यादा चलता है और फुटेज ज़्यादा लगता है, तो मुझे सैड सॉन्ग बहुत पसंद है। वैसे डांस की भी बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से, तो डांसिंग सॉन्ग भी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, कहीं से आ जाता होगा ऑफर कि नहीं आपको पूरा हॉट सीन करना है, तो क्या आप परमिशन देते हैं या नहीं? सबका अपना अपना एक एंगल होता है, हॉट सीन लेने का भी एक तरीका होता है कि आप दर्शा क्या रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं, तो वो मायने रखता है सिचुएशन पे, वो मायने रखता है सॉन्ग पे, और वो मायने रखता है टीम टेक्नीशियन पे कि कैसे प्रेजेंट करें। अच्छा, जब यहाँ पटना में आए तो सबसे ज़्यादा आपको इस लाइन में किनका सपोर्ट मिला जो कि आगे बढ़ने में काफ़ी आपको हेल्प मिला होगा? ये कहना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया तभी मैं आज बहुत मतलब यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, कुछ कर पाई हूँ अपनी लाइफ में और स्ट्रगल लाइफ में।
तो सपोर्ट मेरा सबसे फर्स्ट मेरी माँ का था, क्योंकि उन्होंने मुझे अलाउ किया कि ठीक है तुम सबसे लड़की आगे जा सकते हो। और उसके बाद पटने के बहुत सारे यूनिट है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे चांस दिया कि मैं आगे बढ़ूँ, मुझे काम दिया। अच्छा, खेसारी भैया के साथ आपका कौन गाना था? उनके साथ मैंने देवी गीत करा था। अच्छा, खेसारी भैया का बिहेव कैसा है? आप उनके साथ काम किए तो कितना खुशी मिला, कितना पहचान मिला? नो डाउट, बहुत बेटर, बहुत बढ़िया इंसान है वो। क्योंकि इंसान बिना मिले किसी इंसान के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया है तो बहुत बढ़िया नेचर है उनका, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका सबसे फेमस एक्टर कौन लगते हैं? निरहुआ पसंद है। कैसे, क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अब तक जितने भी सीन प्रेजेंट किए हैं वो कॉमेडी के साथ साथ उन्होंने जितने भी सीन प्रेजेंट किए हैं वो पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा था, और एंटरटेनमेंट का रोल निभाते हैं बहुत अच्छा। सिंगिंग में पूछा जाए तो सिंगर के हिसाब से सब है हमारे लिए, सब लोग खास जो मुझे इनका बात काफ़ी अच्छा लगता है वैसा कुछ नहीं, सारे लोग ही है हमारे लिए, सबका गाना पसंद है। अच्छा, अभी जो विवाद चला है खेसारी पवनी, इस पर आपका क्या राय होगा? कहीं ना कहीं आप भी एक इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं आपका भी कुछ मतलब अंदर से जरूर कहीं ना कहीं अभी। देखिए, तो जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, वो ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, घर थोड़ा बहुत होता ही है, बाहर है, वहाँ जेन्युइन सी बात है, जहाँ बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे ऐसा टकराव तो होगा ही। और बात कंपटीशन का, डिजिटल मार्केट है तो बात कंपटीशन की होती है, तो छोटा मोटा बात हो जाया करता है, आपस में मतभेद हो जाया करता है। बट बहुत अच्छा लगा कि वो लोग आपस में इस मतभेद को ख़त्म कर लिए हैं, तो जिस तरह से मतभेद स्टार्ट होता है उस तरह से ख़त्म भी हो जाता है। चलिए, अच्छी बात है। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट किन के साथ आने वाला है? किस चीज़ में, एल्बम और मूवी? एल्बम या मूवी में, दोनों में। एल्बम में तो कंटिन्यू शूट होता है, तो एक सिंगर का नाम लेना पॉसिबल नहीं है कि किनके साथ आ रहा है। हाँ, यहाँ कंटिन्यू शूट होता है। तो वैसे फिल्म में प्रमोद जी के साथ है, और बैजू यादव जी के साथ है, और बहुत सारे हैं ये एक्टर हैं, अनोन आर्टिस्ट है जिनके साथ में मे भी हो सकता है। चलिए भैया, मैं बता दूँ, ये थे खास बातचीत करने के लिए एस भरिया जा, जो कि बहुत सारा इनका यानी एल्बम और फिल्म में भी काम देखे थे। तो आप लोगों का यह इंटरव्यू कैसा लगा, और आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप जाते जाते अपने दर्शक से क्या उम्मीद करना चाहिएगा? बस हमेशा की तरह इसी तरह प्यार, आशीर्वाद और साथ बनाए रखिए, ताकि हम बहुत ज़्यादा आप लोग से मिलते रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे आप लोगों के बीच में। जय भैया, चलिए फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।